हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th. इन लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड 1 to 12 क्वेश्चन. नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अपने को किस मेथड से करना है? अलग अलग मेथड थे, बाय, सूत्र, संकलन, वेंकलन, फाइंड द स्केयर. स्केयर फाइंड कर रहे हैं अभी तक, जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं अपने स्केयर के चल रहे हैं. फाइंड क्या करना है अपने को? संकलन व्यंकलन मेथड से फाइंड करना है. ठीक है, तो अपने को स्केयर किसकी करनी थी? अपने क्वेश्चन में था 23 की स्केयर करो. तो संकलन व्यंकलन का मतलब होता है ऐड और सब्ट्रैक्ट. ठीक है, ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो. किस तरीके से करना है अपने यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं. देखो, मान लो जो डिजिट है, ये डिजिट है 23, जो क्वेश्चन है उसमें क्या करो, जो लास्ट डिजिट है या डेविएशन जिसको बोल सकते हैं उसको आप ऐड कर दो एक बार, उसको आप माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो. कैसे किया मैंने? 23 था, उस डिजिट में जो पीछे वाला डिजिट है उसको ऐड कर दिया और उसी को माइनस कर दिया, प्लस जो 3 है लास्ट वाला डिजिट उसकी स्केयर कर दी. बड़ा सिंपल मेथड है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे. यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? इनटू, कोई साइन नहीं है. 23 और 20 प्लस 3 कितना हो गया? 26 इनटू ये कितना हो गया? 20 प्लस 3 की स्केयर कितना होता है? 9. तो इसको सॉल्व करेंगे अपने, मल्टीप्लाई कितना आएगा? 26 टू जा 52 और ये 0 प्लस 9, तो आंसर आ गया 529. दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किस तरीके से करना है इसको. संकलन व्यंकलन का मतलब होता है ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो. किस तरीके से? जो डिजिट लिखी है, जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो लास्ट डिजिट है उसकी, उसको ऐड करो, उसी को ही सब्ट्रैक्ट करो, उस डिजिट को ही ऐड करो और उसी को ही सब्ट्रैक्ट करो, प्लस जो लास्ट वाला डिजिट है उसकी स्केयर. ये हम हर लगभग हर मेथड के अंदर करते हैं. तो ये अपना आंसर हो गया. ठीक है, 13 नंबर हो गया. सेम आप 14 नंबर इसी के जैसा है वो आप अपने आप करोगे. 13 आपने कर लिया, 14 आप अपने आप करोगे. 15 और 16 में से मैं एक करवा देता हूँ. 15 मैं करवा रहा हूँ. 15 नंबर क्वेश्चन सेम ही है वैसे तो. 69 इसकी अपने को क्या करनी है? स्केयर करनी है. तो अपने इस तरीके से लिखेंगे. अब आगे क्या करते हैं देखो, 69 प्लस लास्ट डिजिट को जो ऐड किया 9 और इसी को माइनस करना है अपने को. 69 प्लस 9, 69 माइनस 9 प्लस 9 की स्केयर. देखो यहाँ पे अपने सॉल्व कर रहे हैं, 69 में 9 ऐड किया तो कितना हो गया? 78 इंटू, कोई साइन नहीं मतलब इंटू 9 गए तो 60 प्लस 9, 9 जा ये 9, 9 का स्केयर का मतलब क्या होता है? 9 इंटू 9, तो 9, 9 जा कितना हो गए? 81. अब देखो इसको, इससे मल्टीप्लाई कर लो आप. 78 को किससे मल्टीप्लाई करना? 60 से. 0, 0, 6, 8 जा 48, 4, 6, 7 जा 42 और 4, 46. 0, 8, 4, 6. तो यहाँ क्या आ गया? 4, 6, 8, 0 प्लस ये 81. अब इसको आप ऐड कर दीजिए लास्ट में. 1 को 1, 8 में 8 जोड़ा 16, 6 और 1, 7, 4. 4, 7, 6, 1. ठीक है, इस तरीके से आपको 15 कर लिया. सेम आप 16 नंबर अपने आप करोगे. ठीक है, 16 आप अपने आप करोगे. ये हो गया मेथड संकलन व्यंकलन. अब अपने नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं. नेक्स्ट जो है वो बाय द्वंद योग फाइंड द स्केयर. ये इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में लगभग इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, द्वंद योग. ठीक है, हिंदी में आपने कई बार देखा होगा, हिंदी पढ़ते हैं द्वंद योग. इस तरीके का ये मेथड है द्वंद योग. ठीक है, इस मेथड से अपने को क्या करना है, अपने को स्केयर फाइंड करनी है. क्वेश्चन नंबर 17 है 362. अपने को स्केयर फाइंड करनी है 362 की, इसकी अपने को स्केयर करनी है. तो सबसे पहले क्या करेंगे अपने,
इसको करने का तरीका क्या है, इसका आपको क्या पढ़ना है, ग्रुप बनाने पड़ेंगे, डिजिट का ग्रुप बनेगा। ग्रुप कैसे बनेगा, अपने क्या करेंगे, लिखेंगे राइटिंग, पहले ग्रुप बना रहे हैं राइटिंग, कितना ग्रुप बनेंगे इसके, फाइव ग्रुप बनेंगे। आप देखोगे कैसे बनेंगे, फाइव डिजिट ग्रुप, पहले अपने इसके फाइव डिजिट ग्रुप लिख लेते हैं। कैसे, जैसे आप मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा 362, आप पहले फर्स्ट डिजिट को लो 3, फिर डबल दोनों को, फिर तीनों को, फिर लास्ट और फिर सिंगल। किस तरीके से ग्रुप बनाने हैं आपको, पहले सिंगल डिजिट, फिर दोनों को, फिर तीनों को एक साथ, फिर लास्ट वाले दो और फिर लास्ट वाला सिंगल। ठीक है, ग्रुप इस तरीके से बनाने हैं। फिर आगे का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से करते हैं अपने, यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जो सिंगल डिजिट होगी उसकी तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से आपको क्या करना है, इसको यहाँ लिख देते हैं द्वंद्व योग। अब अपने क्या करते हैं, इसका द्वंद्व योग करते हैं। ठीक है, ये तो ग्रुप बने, अब यहाँ इसका द्वंद्व योग करेंगे। किस तरीके से करते हैं, जो सिंगल डिजिट है उसकी करते हैं स्केयर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सिंगल डिजिट की करते हैं स्केयर। जब डबल डिजिट आ जाए, दो डिजिट आ जाए, तो क्या करते हैं, उन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई इंटू में टू। ये आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी, जब बार बार क्वेश्चन करोगे तो आपको ये याद रहेंगी, सिंगल डिजिट की स्केयर, जब डबल डिजिट आ जाए तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई इंटू टू, और जब थ्री डिजिट आ जाए तो क्या करते हैं, पहली डिजिट और लास्ट वाली डिजिट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई इंटू में टू, प्लस जो बीच में डिजिट रहेगी उसकी स्केयर। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैसे किया मैंने, जब भी मल्टीप्लाई करोगे दो डिजिट को तो साथ में टू का मल्टीप्लाई होगा ही होगा। जैसे मैंने डबल डिजिट को किया था 3 × 6 तो टू का मल्टीप्लाई हो गया। सेम आप देखो यहाँ पे 3 डिजिट आ गए तो बाहर वालों को 3 को 2 से मल्टीप्लाई इंटू में 2 आएगा ही आएगा, प्लस बीच वाले डिजिट की स्केयर। अब आगे देखो, फिर से डबल डिजिट आ गई तो ये वाला चल जाएगा, जैसे अपने यहाँ किया था दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई इंटू में 2, लास्ट में सिंगल डिजिट तो सिंगल की स्केयर। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, सिंगल डिजिट के लिए क्या करते हैं, उस डिजिट की स्केयर, डबल डिजिट हो तो उसको क्या करते हैं, उस डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई इंटू में 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 3 डिजिट आ जाएं तो क्या करते हैं, बाहर वाले डिजिट को मल्टीप्लाई इंटू में 2, जब भी मल्टीप्लाई हो तो 2 करना है, प्लस जो बीच में डिजिट रह गया उसकी स्केयर। आगे फिर डबल डिजिट आ गया, ये वाला प्रोसेस कर लिया और फिर सिंगल आ गया। तो अब इसको अपने सॉल्व कर लेते हैं, देखो सॉल्व कर रहे हैं, 3 की स्केयर कितना होगा, 3 × 3 9 स्लैश लग गई, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 6 = 18 = 36 स्लैश 3 × 2 = 6 6² = 12 प्लस 6 × 6 = 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 स्लैश 6 × 2 = 12 12 × 2 = 24 स्लैश 2 × 2 = 4। ठीक है, अब अपने देखो लगभग सारे अपने को सॉल्व कर लिए, यहाँ पे अपने ऐड कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक है, अब अपने इसको क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको आप ये अपना था यहाँ पे अपने इसको करेंगे, इसका सोल्यूशन मैं ऊपर कर रहा हूँ, देखो 9 36 ये देखो अपने ऐड कर लो, कितना हो गया ये 48 / 24 / 4। तो देखो अपने पहले सीखा था कि इसको ऐड वो कैसे करते हैं, इसको इकट्ठा करके नहीं लिखना, सिंगल डिजिट है वो जुड़ता नहीं, वो वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, फिर जब डबल डिजिट आए तो उनको ऐड कैसे करते हैं, यहाँ से आप चलोगे इसको छोड़ देंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, यहाँ से ये खत्म हो गया, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे इसके साथ, फिर यहाँ से इसको ऐड करेंगे इसके साथ। देखो किस तरीके से, देखो 4 का 4 ये आ गया, अब ये 4 का 4 फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, डबल डिजिट यहाँ कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये डिजिट को छोड़ देंगे, इसको आगे से आगे चलते जाएंगे, तो 4 का 4 और इस 4 का 4 ये आ गया। अब देखो 2 और 8 कितना हो गया, 10 10 हो गया, 10 की लग गई 0, यहाँ पे 1 बच गया, वो 1 को आप यहाँ पे लिख के ऐड कर दोगे आगे। ठीक है, 2 और 8 10 10 की लगी 0 1 4 और 1 यहाँ क्या बन गया 5 5 में 6 जोड़ा तो 11 11 का लग गया 1 फिर यहाँ पे 1 आ गया 1 में 3 4 4 और 9 13। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 13 10। अब अपने को चेक करना है कि अपना सही है, तो अपने क्या करेंगे, अपने जो सीखा आज तक
सीधे मेथड से अपने इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। देखो अपने इसको मल्टीप्लाई करें सीधा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 2 3 जा 7, 6 2 जा 12, 6 6 जा 30, 6 7 3, 6 3 जा 18, 18 और 21 इंटू में 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 4 4 7 और 7 14, और 6 22, 3 और 8 11, 1 3 1, ठीक है। तो अपने देखा अपना आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, अपने डायरेक्ट करके इसको देख लिया और अपने को पता लग गया कि अपना आंसर सही आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अपने इसको कर सकते हैं, ये अपने को सिर्फ चेक करना है इस मेथड से। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैसे क्या था, डबल डिजिट आने पे 4 का 4, 2 को 8 में जोड़ा 10 की लगी 0, 1 कैरी हुआ, 1 और 4 5, 5 में आगे 6 को जोड़ा 11, 11 का लगा 1 फिर कैरी 1, 1 और 8 3 4, 4 और 9 30। तो इस तरीके से अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 17। सेम 17 के जैसा ही एक 18 है, जैसे आपने 17 किया सेम आपको 18 अपने आप करना है। मैं करवा रहा हूँ 19 और 20 में से एक, ठीक है। तो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19, उसमें क्या है, थोड़े से चार मतलब पेज ज़्यादा बनेंगे, 4 3 1 2, ये है। इसकी अपने को क्या करनी है, स्केयर करनी है। वहाँ तो अपने पास डिजिट क्या थे, 3 डिजिट थे, तो अपने देखो यहाँ 4 डिजिट थोड़ा सा अलग होगा। तो पहले अपने क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, राइटिंग। अब अपने को पता नहीं कितने ग्रुप आएंगे, तो अपने अपने का छोड़ देते हैं, अपने एक बार छोड़ देते हैं कितने ग्रुप बनेंगे अपने देखेंगे। देखो पहले सिंगल डिजिट 4, फिर दोनों को इकट्ठा लिया 4 3, फिर 3 इकट्ठे लिए मैंने 4 3 1, फिर चारों को इकट्ठा लेना पड़ेगा 4 3 1 2, फिर पीछे से 3 डिजिट 3 1 2, फिर फ्रॉम राइट साइड 1 2, और फिर 2। कैसे बना ग्रुप, पहले सिंगल डिजिट, फिर दोनों को, फिर 3 इकट्ठे, फिर 4 इकट्ठे, फिर पीछे से 3 इकट्ठे, फिर 2, और फिर लास्ट में सिंगल, ठीक है। तो कितने बन गए ये, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने डिजिट ग्रुप बन गया, 7, 7 डिजिट का ये ग्रुप बन गया, अपने यहाँ लिख लिया। अब अपने इसको सॉल्व करेंगे। देखो आपने आज तक सीखा सॉल्व कैसे करते हैं, सिंगल को आपको पता है सिंगल की स्केयर, डबल के लिए क्या करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई इंटू 2। ट्रिपल भी अपने सीखा है, 4 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस बीच वाले की स्केयर, ठीक है। अब अपने को ये नहीं सीखा, इसको अपने एक बार छोड़ देते हैं। मान लो मैंने ये अपने छोड़ दिया, चलो अपने इसको करते हैं, क्या करेंगे, 4 डिजिट के लिए वो भी आसान है, लास्ट वाले डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस जो अंदर रह गए उनको भी आपस में मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 इंटू 2, स्लैश 3 के लिए अपने सीखा ही है 3, इसको अपने कर रहे हैं आगे, मैं यहाँ आगे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, यहाँ तक हो गए थे 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 की स्केयर स्लैश 1 इंटू 2 इंटू 2 और 2 की स्केयर। देखो ग्रुप बनाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी दोबारा चेक कर लेते हैं, अपने कैसे किया था, सिंगल डिजिट को स्केयर, डबल डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई इंटू 2, ट्रिपल के लिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई इंटू 2 प्लस बीच वाले की स्केयर। जब 4 डिजिट आ जाएं, 4 डिजिट हों, तो वो कैसे करते हैं, बाहर वाले डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई, 4 को 2 से, इंटू 2 लगेगा जब भी मल्टीप्लाई करके, प्लस अंदर वालों को आपस में मल्टीप्लाई इंटू में फिर 2 लगेगा। 3 वाले डिजिट के लिए वही 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 की स्केयर 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो अपने ये पेयर सही है। अब अपने इसकी बारी बारी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 4 की स्केयर कितनी होगी, 16 स्लैश 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, सेम यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 3 1 जा 3 2 जा 6 स्लैश यहाँ पे आ गया मैं, अब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 1 की स्केयर 1
वन टू जा टू टू जा फोर और टू टू जा फोर, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी कैलकुलेशन करनी है। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं अपने। ये बन गया 16, ये 24 वैसे का वैसे, 8 और 9 17, 22 13 और ये 4 और ये 4, ठीक है। अपने यहाँ तक पहुँच गए, वही प्रोसेस जो अपने किया था। मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पे कर रहा हूँ, आप इसको देखो यहाँ से ये दोनों डिजिट ऐड होंगे नहीं, ठीक है। अपने इसको और ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा सा दोबारा समझ में दिक्कत नहीं आएगी। मैं उसी डिजिट को, उसी लाइन को दोबारा लिख रहा हूँ कि अपने को वहाँ करने में प्रॉब्लम ना आए। ये थे अपने पास, ये दोनों डिजिट सिंगल सिंगल हैं तो वैसे के वैसे आ जाएंगे। यहाँ ऐड होगा किस तरीके से, इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको इसमें ऐड, इसको इसमें ऐड, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। देखो 3 का 3, 1 को 2 में ऐड किया 3, ठीक है। 2 को 7 में ऐड किया तो 9, 1 को 4 में 5, 2 को 6 में 8 और लास्ट में 1 बच गया तो वो आगे ऐड हो गए नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ गया 1 8 5 9 3 3 4। आप इसको डायरेक्ट करके भी देख सकते हो, ये अपना आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 था, 20 इसी के जैसा है, 2 4 5 6 इसी जैसे जैसे आपको पेयर बनाने हैं और उसकी अच्छे से कैलकुलेशन करनी है, 20 तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट करके लाना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गए होंगे, थैंक यू।